थापया न जाए, किता न होए, आपे आप निरंजन सोए। जिनसे व्या तिन पाया मान, नानक गाविए गुणी निधान। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हरे सुख घर ले जाए। गुरमुख नादन गुरमुख वेदन गुरमुख रिया समाई, गुरी सर गुर गोरखे बर्मा गुर पार्वती माई। जे हो जाना आखा नाई, कहना कथन न जाई। गुरा एक दे बुझाई, सबना जियां का एक दाता। सो मैं विसर ना जाई, थापया ना जाए कीता ना होए। जब जी साहब दी पंजवीं पौड़ी, जिस विच साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज परमात्मा दा स्वरूप, उस दे गुण और उस दी प्राप्ति दा साधन दसते ने। इतनी गल ते स्पष्ट होई कि प्रभु सच है और प्रभु ते साडे विचकार जो दीवार है वो झूठ है। झूठ दी पाल है, झूठ दी कंध है। जिसनू गिराना है और वो गिरेगी सच दे हुक्म नू मन के, सच दी रजा दे चल के। हुक्म ही इतना वड्डा, बहुत वड्डा पसारा जो असीम है, और हुक्म दे चलदी हुई सृष्टि नू वेख के वो विकसदा है, खेड़े चाउंदा है। अनेकां तरह दे जीव जंत उस प्रभु कोल कामना नाल भरे हुए कर्म करके मंगा मंगदे ने, प्रभु दे ही जांदा है। और इस तरह मंग वद्दी जांदी है, जन्म ते मरण भी वद्दा जांदा है। कदी कदी कोई अमृत वेले उठ के प्रभु जाप करके ते प्रभु दी दृष्टि दा मेहर दा पात्र बन के मोक्ष द्वार दी प्राप्ति कर लेंदा है। ओ मोक्ष द्वार, ओ प्रभु दा द्वार, ओ ईश्वर दा दर कैसा है, ओ ईश्वर कैसा है, तो सतगुरुदेव जी महाराज फरमान करदे ने। प्रथम ता ए है कि थापया ना जाए कीता ना होए। परमात्मा नू अस्थापन नहीं कीता जा सकता। कोई चित्र अस्थापन कीता जा सकता है, कोई मूर्ति अस्थापन कीती जा सकती है, किसे व्यक्ति नू किसे थां ते बिठा के टिकाया जा सकता है, पर प्रभु नू अस्थापन नहीं कीता जा सकता। प्रभु नू टिकाया नहीं जा सकता, क्यों कि प्रभु चेतन है, प्रभु व्यापक है, प्रभु प्रकाश है, प्रभु दैवी शक्ति है। प्रभु कृत नहीं, प्रभु करता है। इस वास्ते आम भारत दी चली आ रही पुरानी परंपरा उस तो वक्त हो के सतगुरु कहंदे ने कि थापया ना जाए। ईश्वर नू अस्थापन नहीं कीता जा सकता, क्यों कि ईश्वर कोई कृत नहीं, ईश्वर कोई जड़ नहीं, ईश्वर कोई चित्र नहीं, ईश्वर कोई मूर्ति नहीं, और ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं। कीता ना होए, जो अस्थापन नहीं कीता जा सकता वो कीता भी नहीं जा सकता, भाव उसनू बनाया भी नहीं जा सकता। प्रभु साड़ी कृत नहीं, असी प्रभु दी कृत हां। अगर परमात्मा साड़ी ही कृत है तो फिर परमात्मा दे पूजन दी कोई लोड़ ही नहीं रही। जद जद जाप करदियां, सिमरन करदियां, भगती करदियां प्रभु दी, जद भी किसे नू झलक पई है उसकी रसना तो करता निकले, वो करता है, वो कृत नहीं। कृत मिट जाती है, कृत जड़ है,
कृत नैचल नहीं अज है कल खत्म, लेकिन करता सदैवी है, करता हमेशा है। तो परमात्मा कीता नहीं जा सकता, बनाया नहीं जा सकता। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इसे गल ते इतना जोर देंदे ने कि बिन करतार न किरतम मानो। हे अभ्यासियो, हे गुरमुख जनो, बिना करतार तो कृत नूं करता ना मनो, कृत नूं करता जान के ना झुको। हां, करता महान है, ओदी कृत भी महान है, पर कृत मिट जांदी है, कृत नाश हो जांदी है, कृत अज है कल नहीं। समो ब्रह्मंड खंड सारे प्रभु दी कृत ने। प्रभु आप वड्डा है, ओदी कृत वड्डी है, पर कृत कितनी ही वड्डी क्यों ना होवे, आखिर मिट जांदी है, आखिर नाश हो जांदी है। तो साहिब कहंदे ने थापिया ना जाए कीता ना होए। उस परमात्मा नूं अस्थापन नहीं कीता जा सकदा और फिर कीता भी नहीं जा सकदा। फिर उसकी होंद किस तरह है जद उसनूं बनाया नहीं जा सकदा और उसनूं अस्थापन नहीं कीता जा सकदा, फिर वह कैसा है और किवें उसकी होंद है? तो सतगुरु कहिंदे ने आपे आप निरंजन सोए, अपने आप तो ही आप ओ सुभायमान है और निर्लेप है। कृत तो उच्चा है, निर्लेप है, अपने आप तो आप ही सुभायमान होया। आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो ना। निर्लेप ऐसा है जैसे कि मुसव्वर ने चित्र बनाया है और चित्र तो एक पासे हो गए। इस वास्ते करते नूं भगत कबीर चितेरा भी कहंदे ने, चच्चा रचत चित्र है भारी, तज चित्रे चेतो चितकारी। प्रभु एक महान चित्रकार है, ऐसा चित्रकार जिसने दरिया पहाड़ सूरज चंद तारे चित्र दिते ने। चच्चा रचत चित्र है भारी, पर तज चित्रे चेतो चितकारी। कबीर ऐसा कहंदे ने कि चित्र वेखो, चितेरे नाल जुड़ो। चित्र सिर्फ वेखण वास्ते है, जुड़न वास्ते नहीं। चित्र वेखण तक ही चंगा है, शोभा करो चितेरे दी, जिस चित्रकार तो इस तरह का सुंदर चित्र बना है। संगीत दी धुन अपनी थां ते महान होवेगी, पर संगीतकार तो बिना की मैंने रख दी। कविता बहुत अच्छी भावपूरित होवे, पर कवि तो बिना उसकी होंद आलमे वजूद विच नहीं आ सकती। तस्वीर मुसव्वर दी कृत है, सारा जगत करते दी कृत है, पर चूंकि करता बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है, उहदी कृत भी बहुत वड्डी है, बहुत वड्डी है। और इस सारे जगत नूं गुरबाणी चित्र कहिंदी है। इह गल वखरी है कि कोई चित्रकार एक पहाड़ दा चित्र बनावे, असी चित्रकार नूं दाद देंदे नहीं थकदे, कहिंदे आ तू कमाल कर दिता, ऐसा सोहना पहाड़ दा चित्र बनाया। पर जिसने इतने उच्चे उच्चे पहाड़ बना दिते, उस चित्रकार नूं कदी दाद नहीं दित्ती, उसकी कदी उपमा नहीं कीती। जो साड़ी बहुत सोहनी तस्वीर बना देवे, असी उस मुसव्वर नूं दाद देंदे आ, उहदी महिमा गायन करदे आ वी तूं साड़ी कितनी सोहनी तस्वीर बनाई, पर कदी उसका धन्यवाद नहीं कीता जिसने सानू ही बनाया, जिसने साड़ी बनतर बनाई। कोई फुल दी तस्वीर बना देवे, बगदे हुए दरिया दी तस्वीर बना देवे, किसी पशु दी तस्वीर बना देवे, तो मुसव्वर दी चित्रकार दी असी उपमा करदे आ, पर जिसने बगदे हुए दरिया बना दिते, सूरज चंद तारे बना दिते, ऐसा महान चितेरा कदी ख्याल विच नहीं आया, कदी
धनवाद उसदा ने कीता कि हे प्रभु तू एक महान चित्रकार है। भगत कबीर अपनी बाणी दे रहे जगत नू उपदेश कर देने कि चचा रचत चित्र है भारी, तज चित्रे चेत्यो चित्कारी, चित्र बचित्र अहै अवधेरा, तज चित्रे चित्राख चितेरा। ऐ बंदे चित्र नू सिर्फ वेख पर चित चितेरे विच रख। चित्र वेखण वास्ते है पर चित दे विच जिसनू रखना है वह चितेरा है, वह चित्रकार है। अक्सर इस तों उल्ट हो जांदा है कि चित्रकार भुल जांदा है, चित्र ही चित दे विच रह जांदा है और इस तरीके नाल मिथ्या जिंदगी मनुख दी बतीत होंदी है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इत्थे फरमान करदे ने प्रभु अस्थापन नहीं कीता जा सकदा ते प्रभु बनाया नहीं जा सकदा। ईश्वर साडी कृत नहीं, ईश्वर करता है। ईश्वर जड़ नहीं कि उसनू टिका दियो अस्थापन कर दियो, वो एक चेतना है, परम चेतना है। ये ठीक है कि मनुख जद बच्चा हुंदा है तो तस्वीरां दी भाषा नाल ज्यादा समझ सकदा है, छेती पढ़ लेंदा है। जैसे कि पंजाबी दे बाल उपदेश दे या बाकी दे बाल उपदेशां दे भी देखण नूं मिलदा है, उहदे च लिखिआ है कक्का कलम, चचा चाकू, छच्छा छतरी, दद्दा दवात। तो पढ़ाना बच्चे नूं दद्दा है नाल दवात बना दित्ती गई है। अखर ते चचा ही बनाना है पर चाकू बनाने दी की लोड़ पै गई। अखर ते कक्का ही पढ़ाना सी पर कलम क्यों बना दित्ती? छच्छा अखर लिख के सामने छतरी क्यों बना दित्ती? दरअसल चित्र बच्चा बहुत छेती पकड़दा है, उसका चित्त। तो जैसे वह छतरी नू वेखदा है उसनू बोध हो जांदा है ये अखर छच्छा है। जैसे कलम नू वेखदा है उसनू बोध हो जांदा है ये अखर कक्का होवेगा। जैसे चाकू नू वेखदा है उनू ख्याल आ जांदा है ये अखर चच्चा होवेगा। तो तस्वीरां दे राहीं उह छेती अक्षरां नू पकड़ लैंदा है ते अक्षरां दा बोध हासिल कर लैंदा है। हू बहू ए संस्कार मरदे दम तक बने रहिंदे ने। फिर अगां चल के मनुख परमात्मा नू भी तस्वीरां दे राहीं समझदा है। स्वर्ग दी भी तस्वीर चाहीदी है, नरक दी भी तस्वीर चाहीदी है और बाजार विच बकायदा नरक ते स्वर्ग दीआं तस्वीरां बिकदीआं ने। और हकीकत यह है कि यह तस्वीरां उन्हां लोगां ने बनाईआं ने जिन्हां नू अपने घर दा नक्शा नहीं बनाना आउंदा, उन्होंने स्वर्ग दे नक्शे बनाए ने, उन्होंने नरक दे नक्शे बनाए ने, मिथ्या ने, कल्पना मात्र ने। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान है कि ओ परिपूर्ण परमात्मा करता है, कृत नहीं है, अस्थापन नहीं किया जा सकता। अपने आप तो आप ही सुभायमान है और निरंजन है, निर्लेप है। निर्लेप कैसे है और व्यापक कैसे है, इहदे उत्ते दो उदाहरण बड़े सोहने गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज ने दिते ने। काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। जो सर्व व्यापक है ते सदा निर्लेप है, तेरे नाल है, उदी टोल कर, उदी खोज कर, उदे नाल जुड़। हुण इत्थे सवाल पैदा हुंदा है जो सर्व व्यापक है और सदा निर्लेप किस तरह होया, व्यापक निर्लेप किस तरह हो सकता है, जर्रे जर्रे विच व्यापक किस तरह निर्लेप हो सकता है। तो दो उदाहरण दिते ने, वो व्यापक कैसा है वो निर्लेप कैसा है। पहु पमद ज्यों बास बसत है, व्यापक ते वो ऐसा है जैसे फुल दी पत्ती पत्ती विच महक है। पहु पमद ज्यों बास बसत है, मुकर माए जैसे छाई। निर्लेप वो ऐसा है जैसे शीशे विच अक्स दिखाई दे रहे हैं असी शीशे विच पर फिर भी शीशे विच नहीं है। जगत विचो व्यापक है फिर भी जगत दी पकड़ नहीं, इस तरह वो निर्लेप है
और इस ढंग नालों व्यापक है। महात्मा टैगोर नूं प्रभु दे निर्लेप होण दा बोध उस वक्त मिलिया जद उन्होंने देखिया कि गंदगी दे ढेर दे उत्ते सूरज दियां किरणां पै रहियां सन। नच उठे ठाकुर रविंद्रनाथ नाल दे साथी पुछदे न, आया ऐसी केड़ी दैवी संपदा लभ पई? बहुत कुछ लभ पिया, एक बड़ा कीमती राज लभ पिया परमात्मा दा। परमात्मा निर्लेप है पता चल गया। जैसे सूरज दियां किरणां गंदगी दे ढेर नूं छू रही ने पर गंदियां नहीं हो रही, प्रभु मेरे गंदे शरीर दे च व्यापक है पर गंदा नहीं होता, निर्लेप है, पावन है, पवित्र है। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहने निर अंजन, अंजन तो रहत है, कालक तो रहत है, निर्लेप है, जो अस्थापन नहीं कीता जा सकता, बनाया नहीं जा सकता, टिकाया नहीं जा सकता, जो अपने आप तो आप स्वभायमान है और निरंजन है। सह फरमान कर देने जिन सेव्या तिन पाया मां, जिन्होंने सेवा की थी उन्होंने मान प्राप्त किया। क्या प्रभु नु भी साड़ी सेवा दी लोड़ है? ईश्वर परिपूर्ण परमात्मा सर्वज्ञ है, समर्थ है, सेवा अपने तो कमजोर दी करी दी है। अपने तो जो महान है उदी की सेवा करांगे? उसकी पूजा हो सकती है, उसकी सेवा किस तरह करांगे? लोड़ ही नहीं तो किसकी सेवा? अपने तो वड्डे की पूजा आती है, अपने तो छोटे की सेवा आती है। पर इत्थे सतगुरु कहिंदे ने जिन सेव्या तिन पाया मां। गुरबाणी की व्याख्या गुरबाणी करती है तो पातशाह इस गल नूं खोलदे ने, हर की टहल कमावणी जपिए प्रभ का नाम। बस प्रभु दा नाम जपना ही सेवा है और कोई नहीं। और प्रभु दा नाम जपदिया जपदिया बाद विच पता चलता है मैं ते अपनी सेवा कर ली, ऐसी मैं अपनी सेवा की थी कि मैं कमजोर सी, मैं ही प्रभु हो गया, मैं परमात्मा वर्गा हो गया। प्रभु दे गीत गा गा के, ईश्वर दे गीत गा गा के। इस वास्ते ईश्वर दी महिमा गायन करने अपनी महिमा वधानी है। ईश्वर दे गुणा दा जिक्र करना स्वयं नूं गुणवान बनाना है। जो ईश्वर नूं बलवान आखदा है वो आप बलवान हो जांदा है। जो ईश्वर नूं परम प्रकाश आखदा है वो स्वयं प्रकाश दा सोमा बन जांदा है। जो ईश्वर नूं दाता आखदा है वो खुद दाता बन जांदा है। जो ईश्वर नूं व्यापक आखदा है वो स्वयं विशाल बन जांदा है ते व्यापक दृष्टि दा मालिक बन जांदा है। इस तरीके नाल परमात्मा नूं वड्डा वड्डा करके आखना खुद नूं वड्डा करना है, ना कि परमात्मा नूं वड्डा करना है। परमात्मा नूं वड्डा वड्डा असी आखीए इस दी लोड़ नहीं। जे सब मिलके आखण पाए वड़ा न होवे घाट ना जाए। जैसे असी कहिए सूरज दे च बड़ी रोशनी है, बड़ी रोशनी है, साडे कहण नाल रोशनी नहीं है। जे असी ना आखीए तां सूरज दे च कोई अंधकार भी नहीं हो जाएगा, वो ते परम प्रकाश है। जे असी परमात्मा दे गुणां दा जिक्र करिए ते साढ़े जिक्र करन नाल ही गुणवान नहीं है, वो स्वयं गुणवान है। ते जे ना करिए तां उस दे गुण कोई घटदे भी नहीं। तो सेवा दरअसल प्रभु दी अपनी ही सेवा है, अपनी ही महानता वधानी है, अपने ही गुणां नूं वधाना है। जिन सेव्या तिन पाया मान, जिन्होंने फिर सिमरन कीता, जिन्होंने फिर इस ढंग की सेवा की थी, जगत दे सन्मान मिलना लाजमी सी। ते माण मिलदा है जिथे तान होवे, जिथे शक्ति होवे। तो प्रभु एक शक्ति है, शक्ति नाल जुड़दियां, तान नाल जुड़दियां, शक्ति दे प्राप्त करदियां कुदरती गल है जगत दे
ਮਾਣ ਵਧਣਾ ਸੀ। ਤੋ ਹੁਣ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਖੋਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਂ, ਨਾਨਕ ਗਾਵੀ ਹੈ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਉਹ ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਗਾਵੀਏ ਕੀ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਣ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ, ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਗੁਣ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਣ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇੜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਤੇ ਉਂਜ ਮਹਾਨ ਨੇ ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ, ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੇਵਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਸੰਤੋਖੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦਿਆਲੂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ। ਸਿਮਰਨ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਸਾਕਾਰ ਦੀ। ਸਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਣੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਿਸਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਕਿਸਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਗਾਵੀ ਹੈ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਕੀ ਗਾਈਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਏ? ਕੋਈ ਸੁਰ ਤਾਲ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਗਾਈਏ? ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਵੀ ਹੈ ਸੁਣੀ ਹੈ ਮਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਭਾਵ। ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੇ, ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੇ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗੀ ਬਣੇਗਾ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ। ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਜੁੜੇਗਾ। ਬੋਲਣਾ ਔਰ ਸੁਣਨਾ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੁਣਨ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਸਕੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਸੁਣਨੇ ਨੇ? ਜਗਤ ਦੇ ਰਹਿਬਰੀ ਪੁਰਸ਼, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰੀ ਬੋਲ ਨੇ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ।
खुदा दे बचन ने। मैं ते सिर्फ एक माध्यम दी तरह उस कलाम नू प्रगट कीता है, वरना ए बोल नाजल होए ने ये खुदा दे ने। हू बहू इसे तरीके नाल साडे देश दे ऋषि मुनि कहिंदे रहे कि वेद बाणी देव बाणी है, प्रभु दी बाणी है, साडे ते आकाश बाणी हुई है। इसे तरीके नाल सूफी संत कहिंदे रहे ने अलहाम होया सानू, और जो कुछ उन्हां नू अलहाम होया लिखत दे राही जगत दे सामने रख दिता। गुरु नानक देव जी महाराज दे जितने बचन ने, जितनी बाणी है, इस प्रथाई आप दे वाक ने कि जैसे में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वेला। जैसे खसम दी बाणी आई है, वैसे वैसे मैं बोलिया। मैं ते सिर्फ बांसुरी हां, इस स्वर ते किसे होर देने। मैं ते सिर्फ साज हां, ये आवाज किसे होर दी है। किसे होर ने मेरे विचों आवाज कढ़ी है, कोई होर मेरे विचों बोलिया है। मेरे जीवन दे साज दे चों ये नगमे किसे होर ने कढ़े ने। वो है खसम, वो है मेरा मालक, वो है ईश्वर। तो जिथे जिथे ईश्वर बोले है, भगत जन, संत जन, अवतारी पुरुष ये खुद नहीं बोलते, इना दे प्रभु बोलता है, इना दे ईश्वर बोलता है। इस वास्ते इना दे बोल कदी पुराने नहीं होंदे, इना दे बोल कदी फिक्के नहीं पैंदे, इना दे बोल कदी बेरस नहीं पैदा करदे, इना दे बोलां दे नवीनता बनी रहिंदी है। एक कविता एक दफा सुनो, दो दफा सुनो, तीसरी दफा लाजमी पुरानी हो जाएगी। लेकिन संत महापुरुषां दे बचन रोज रोज पढ़िए, तां वी कोई नवा स्वाद, कोई नवी उमंग, कोई नवी तरंग, कोई नवी दुनिया दे द्वार खुलदे ने, क्योंकि ये वो बचन ने जो खसम दे बचन ने। तमाम श्रेष्ठ पुरुषां ने ऐसा ही आख्या है कि असी नहीं बोले, साडे विचों खसम बोले है, मालिक बोले है। ज्यों तू बुलावे त्यों बोले सामे, स्वामी कुदरत कौन हमारी। बेशुमार अथा अगंत अतोले, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। हे प्रभु, जैसे जैसे तू बुलाया मैं ते वैसे ही बोलिया, बोल मेरे नहीं। कोई कवि किताब लिखता है, दावा करता है मैं लेखक हां, ये किताब मेरी है, इसका मैं लिखा रही हां। पर सत पुरुष जो उन्हां दी रसना तो बचन लिख निकलदे ने, उन्हां बारे उन्हां दा दावा नहीं आउंदा कि ये बचन मेरे ने, क्योंकि खसम दे बचन ने। तो उन्हां बचना नूं बार बार बोलना है, उन्हां बचना नूं बार बार सुनना है। गाविए सुनिए सुनना है और गावना है। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, सुन के गाओ के फिर मन विच भाव पैदा करना है। ये ठीक है कि भाव एक ऐसी अवस्था है जिन्हों असी गुण ते नहीं कह सकते, एक अवस्था ही कह सकते हैं। तंदुरुस्ती शरीर की एक अवस्था है, बीमारी शरीर की एक अवस्था है, भाव मन की एक अवस्था है। जिसनों रोज याद करिए, याद ही भाव बन जाता है, याद ही प्रेम बन जाता है, सिमरन ही प्रेम बन जाता है। तो सतगुरु कहते हैं रोज सुनना है, गावना है, और उतने चिर तक गावना है ते सुनना है जितने चिर तक गावया सुनया भाव नहीं बन जाता, प्रेम नहीं बन जाता। प्रेम बनया गावना सफल हो गया, सुनना सफल हो गया। प्रेम नहीं बनया, गावना और सुनना अजे बीज रूप देते है, अंकुरित नहीं होया, फलीभूत नहीं होया, अजे फल तक नहीं पहुंचया। हर फल दा बीज एक होंदा है, पर दुखां दे बीज अनेकां ही ने। अनेकां कारणां तो दुख पैदा हो जांदा है। अनंत बीज ने इत्थे, और दुख एक बोझ है। जिस तरह परमात्मा व्यापक है,
जीवां दे च दुख भी व्यापक है। दुख दी निवृत्ति किस तरह होवे? जगत दे च श्रेष्ठ पुरुषां ने अपने अपने ढंग नाल दुखां दी निवृत्ति दे साधन लभे। इन्हां दे चों कुछ राजनीतिक ने, उन्हां ने अपने ढंग नाल जगत नूं, देश नूं सुख पहुंचाउण दी कोशिश कीती, पर हर मुलक दे च उग्गे चोटी दे राजनीतिक पुरश होए ने, लेकिन देश नूं, जगत नूं सुख नहीं दे सके। इसी तरीके नाल दूजे धरते आ जांदे ने, वैद, हकीम, डॉक्टर, जिन्हां दी कोशिश है कि मनुख दे तन दे च जिहड़े रोग ने ते रोगां करके जो मनुख दुखी है, ए मनुख दे शरीर दे चों कढ दई गई। तो हिकमत मौजूद है, वैद मौजूद ने, डॉक्टर मौजूद ने, पर रोग भी मौजूद ने। रोगां दी निवृत्ति नहीं हो सकी। एक रोग नूं काबू करिए, अनंत रोग होर पैदा हो जांदे ने। जितने चिर तक कोई नवी दवाई बाजार दे च आउंदी है, उस तों पहले कोई नवा रोग मनुख दे शरीर दे च प्रगट हो जांदा है। तो औषधियां मौजूद ने, रोग भी मौजूद ने। मनुख दी मानसिक पीड़ा हरण वास्ते अनेकां तरह दे मनोविज्ञानी भी मौजूद ने, जिन्हां दी कोशिश है कि मनुख दे मन विच दुख दा, सहम दा जो वहम है, ये कढ देईए। लेकिन ये सारे अपनी थां ते मौजूद ने, पर दुख भी अपनी थां ते मौजूद है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दा ए वाक अमर है कि बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। जिथे परमात्मा सर्व संसार दे च व्यापक है, दुख भी व्यापक है। दुख जिस ढंग नाल दूर होंदा है, वो ढंग मनुख ने अपनाया नहीं। जिहड़े जिहड़े साधना नाल दुखां दी निवृत्ति हो नहीं सकदी, वह मनुख ने अपनी झोली दे च पाए होए ने। इस वास्ते हर दिन किसे नवे दुख नूं जन्म दे रहा है और दुखां दी पंड सिर ते वधदी जा रही है। साहिबां दा फरमान है, दुख कियां फंडां खुलियां, सुख ना निकलियो होए। हर मनुख दे सिर दे उते दुखां दी गठड़ी है और ये बोझल होंदी जा रही है। रोज वद्दा जा रहा है, दुख घटदा नहीं पे। इस गल नाल अजीम चिंतक सहमत हो गए ने कि एक सदी पिछे चले जाइए ते मनुख दे मन विच इतना संताप नहीं सी जितना अज है। पंज सदियां पिछे चले जाइए ता मनुख दा मन जितना संतोषी सी अज नहीं है। और इसे तरीके दे नाल 2-3 हजार साल पिछे चले जाइए, दैवी गुणा दी जो संपदा मनुख दे कोल सी अज नहीं है। और ठीक है कि अज जितनी सियाणप है, अज जितनियां नवी तो नवियां औषधियां ने, अज जितनी विज्ञान दी उन्नति है, वो पहले नहीं सी। पर अज जितना दुख है, ये पहले नहीं सी। रुखां तले पहाड़ां दी कंदरां दे च रह के और कखां दी कुली दे च रह के भी मनुख सुखी सी। अज फलक बोस इमारतां दे च रह के भी मनुख दुखी है। पैदल यात्रा करके एक थां तो दूसरी थां जाण दे इस दे कोल कोई साधन नहीं सन, लेकिन फिर भी परमात्मा तक पहुंचण दा मनुख दे कोल वसीला सी। अज एक थां तो दूसरी थां तक पहुंचण दे बड़े सोहने साधन उपलब्ध ने। बसां, रेलां, कारां, हवाई जहाज, आवाज तो भी तिखे चलण वाले मौजूद ने एक थां तो दूसरी थां ते पहुंचण वास्ते, पर मनुख दा परमात्मा तक पहुंचना औखा हो गया। जितने चंगे तो चंगे ते स्वादिष्ट पकवान अज ने,
अज तो चंद सदियां पहले नहीं सन, लेकिन जीवन विच जितना फिक्कापन अज है पहले नहीं सी। पहनन नू जितने सुंदर बस्तर अज ने ए पहले नहीं सन, पर ए भी सच्चाई है कि मनुख जितना नंगा अज है पहले नहीं सी। सुंदरता नू चमकाण दे जितने साधन अज ने ए पहले नहीं सन, पर ए भी सही है कि मनुख जितना अज करूप है पहले नहीं सी। जिंदगी कायम रह सके, जिंदगी लंबी हो सके, तरह तरह दे साधन अज मौजूद ने, पर अज जितना मौत दा भय है पहले नहीं सी। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान कि मनुख अपने घर विच किस तरह सुख लेके आवे ते अपना घर केड़ा है हिरदा। घर विच साजो समान आ गया है, हिरदे विच सुख नहीं आया। मकान विच तरह तरह दी संपदा आ गई है, हिरदे विच आनंद उलास नहीं आया। तरह तरह दे वस्त्रां नाल साजो समान दे नाल मकान भर गया है, लेकिन हिरदा सुखां तो खाली हो गया है। दुख पर हर सुख घर ले जाए, अगर इस साधन नू अपना लिया जाए तो साहिब कहिंदे ने मनुख दुख नू परे सुट लेगा और सुखां नू अपने घर दे च ले आवेगा, हिरदे दे च ले आवेगा। साधन की है, गावीए सुनिए मन रखिए भाव। प्रभु दे गीत नू गाउणा है और जद गा रहे होइए उदों सुनना भी है। अगर सिर्फ गाया ते सुनिया नहीं तो गाया होया हवा दे च उड़ गया, अगर उसनू सुन रहा है तो गाया होया अंदर प्रवेश कर ले। और ये गीत जैसे जैसे अंदर प्रवेश करेगा सुख अंदर प्रवेश करेगा, प्रभु दा नाद जैसे जैसे अंदर प्रवेश करेगा आनंद अंदर प्रवेश करेगा। पंज तत दा ए पुतला जगत दे रहबरी पुरुषा ने किसी एक तत् नू माध्यम बना के परमात्मा तक पहुंचने की कोशिश कीती है। ऐसा जापदा है कि पैगंबरी पुरुष मुहम्मद साहब ने मिट्टी नू प्रधानता दिती है, मस्तक जमीन ते बार बार ऐ बंदे तू खाक हो जा, ऐ बंदे तू मिट्टी हो जा, और इतनी मिट्टी कि हर एक दे पैरां दे थल्ले हो, किसे दे सिर ते ना बैठ पैरां दे थल्ले, फिर तेनू प्रभु दा द्वार नसीब हो जाएगा। देखण दे चाया धार्मिक मंदरां दे च पैरां दी खाक नू चरण धूड़ी नू लोकी मस्तक ते लांदे ने, तो सतसंगियां दे चरणां दी खाक जे मस्तक ते बैठ सकदी है ते किधरे मनुख संसार दी खाक बन जाए उनू परमात्मा दा सिंघासन नसीब हो सकदा है, ईश्वर दा सिंघासन नसीब हो सकदा है। मुहम्मद साहब दी दृष्टि ए सी बई ए बंदे तो खाक बन, इस वास्ते मस्तक नू बार बार जमीन देते रखना नमाज दे च एक खास कर्म है। जल नू साधन बना के, पानी नू साधन बना के परमात्मा तक पहुंचण दा वसीला लभया इस देश दे वैदिक ऋषियां ने। सरोवरां दे कंडे बैठ के, दरियावां दे कंडे बैठ के, झीलां दे किनारे ते बैठ के बार बार इशनान करके, तरह तरह दे तीर्थां दा इशनान करके, जल नाल संबंध जोड़ के परमात्मा तक पहुंचण दी कोशिश कीती गई, एक ए साधन भी जगत विच अपनाया गया। तीसरा ने जोगी जैनी। जैनिया दे तमाम तीर्थ खुश्क पहाड़ां ते ने, गर्म पहाड़ां ते ने, और योगी अपने आले दुआले धूणा तपा के धुप दे च बैठ के प्रभु तक पहुंचने की कोशिश करता रहा है। उन्हें माध्यम बनाया अगन नू, अग्नि नू, इतना तेज इतनी अगन अपने अंदर वधा
कि अगन ही ब्रह्म बन जाए, जिसनों कहते हैं ब्रह्म अगन। अपने जीवन नू जल वर्गा बना ले, जैसा कि जल परोपकारी है, प्यास बुझा देंदा है, निर्मल कर देंदा है, स्वच्छ कर देंदा है, तू जल बन जा। बार बार इशनान, बार बार दरियावां दे तट ते बैठना और 68 तीर्थां दा रटन करना, ये जल होने दी कोशिश सी। अग्नि दे आले दुआले बैठना या चारों पासे अगन जला के विचकार बैठना, ये ब्रह्म अगन नूं प्रज्वलित करने दी कोशिश सी। बार बार मस्तक नूं मिट्टी ते रखना, जमीन ते रखना, ये मिट्टी होने दी, निर्माण होने दी कोशिश सी। गुरु नानक देव जी महाराज ने पवन तत् नूं माध्यम बना के परमात्मा तक पहुंचने दी कोशिश कीती है, ते पवन तत् दी प्रकृति है बोलना। देही माटी बोले पवन, सिर झुका झुका के, सिर नूं जमीन ते रख रख के, सिर नूं पहुंचाया गया खुदा तक इस्लाम दी साधना। जल दे नाल इशनान कर करके, बार बार कर करके पवित्र बनाया गया अपने आप नूं वैदिक ढंग नाल। अगन चारों पासे बाल के, धूने तपा के, धुप देच बैठ के ब्रह्म अगन दी कोशिश कीती गई कि मनुख दे अंदरों पैदा होवे। बार बार बोल बोल के कोशिश कीती गई कि मनुख दे अंदरों परमात्मा बोले, मनुख दे अंदरों ईश्वर बोले। ईश्वर दा नां कोई बोलदा जाए बोलदा जाए, और बोलदिया बोलदिया जिथे खुद मनुख मिट जांदा है, उत्थे फिर मनुख दे अंदरों ईश्वर ही बोलन लग पैंदा है, परमात्मा ही बोलन लग पैंदा है। तो पवन तत् नूं प्रधान बना के, साधन बना के गुरु नानक ने प्रभु दी बंदगी आरंभ की थी। देही माटी बोले पवन, असी बोलदे हां पवन करके। बोली जा ऐ बंदे, उतने चिर तक बोली जा जितने चिर तक तैनू अबोल अवस्था नसीब नहीं आउंदी। केसो केसो कूकिए, ना सोइए आसार, रात दिनस कै कूकने, कभै किसने पुकार। इक दूजी बो लख होवे, लख होवे लखवीस, लख लख गेड़ा आखिए, एक नाम जगदीश। जगदीश दा नाम रटन करी जा, वाहिगुरु वाहिगुरु जपी जा, और इतने चिर तक बोल जितने चिर तक तेरे अंदरों परमात्मा नहीं बोलदा। बोली जा बोली जा, एक साधना है गुरु घर दी। इशनान करी जा जितने चिर तक तेरे अंदरों पवित्र आत्मा प्रगट नहीं होती, इतने चिर तक इशनान करी जा। तपाई जा धूणे जितने चिर तक तेरे अंदरों ब्रह्म अगन प्रगट नहीं होती। टेकी जा मस्तक, झुकाई जा सिर, मिट्टी नाल अपना मस्तक जोड़ी जा, जितने चिर तक एक कबूल नहीं होता कि जीवन मिट्टी है और परमानंद खुदा सतचित आनंद है, वह मिट्टी नहीं आता। तो साहिबां दा ए वाक, बोली जा कीरत प्रभ की, गाओ मेरी रसना, ऐ रसना बोली जा, ऐ रसना तू गाई जा। तो सतगुरु ने दुखां दी निवृत्ति दा ए साधन दस्या, गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर लै जा। पर सवाल ए पैदा होंदा, की गाइए, आखिर किस तरह गाइए और की गाइए? तो सतगुरु दसदे ने, गुरमुख नादन गुरमुख वेदन, गुरमुख रेहा समाई, गुर ईसर गुर गोरख, बर्मा गुर पार्वती माई। गुरु दे मुख तो जो बोल निकले है वही नाद है, और गुरु दे मुख तो जो बोल निकले है वही वेद है। सब नाद वेद गुरबाणी, मन राता सारंग पाणी।
ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜੋ ਸਵੈਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪੋ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ। ਉਹ ਜੋ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ? ਜੋ ਖਸਮ ਬੋਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਸਮ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਬੋਲਿਆ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਦ, ਇਹੀ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਨਾਦ ਵਜਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਵੇਦ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸਦੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸਦੇ ਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਪਿਆ ਜਾਏ, ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਏ। ਤੋ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਖਸਮ ਦੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਖਸਮ ਬੋਲਿਆ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਨਾਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਵੇਦ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜੋ ਵਾਕ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸਦੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਈਸ਼ਵਰ ਉਸਦੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ, ਗੁਰ ਗੋਰਖ, ਬਰਮਾ ਗੁਰ, ਪਾਰਵਤੀ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਸ਼ਿਵਜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਗੋਰਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤੋ ਗੁਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਰਾਗੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਚੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਰਬਗ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਹੈ, ਸਜਾਵਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਦੀ ਮਾਲਾ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ। ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਰੂਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਇਹ ਸਰੂਪ। ਵੇਦ ਨੇ ਗਿਆਨ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਵੀ ਸ਼ਿਵਜੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਰਾਗੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਰਬਗ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਤੋ ਗੁਰ ਈਸਰ, ਗੁਰ ਗੋਰਖ, ਬਰਮਾ ਗੁਰ, ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੋਨੋਂ ਖੜੇ, ਕਾਂਕੇ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ, ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਗੋਬਿੰਦਿਓ ਮਿਲਾਏ। ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਸਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਹਾਰ ਜਾਈਏ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਗੋਰਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਸ਼ਿਵਜੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ
जे मैं उस परम शक्ति नू जान भी लिया है, जे मैं उस परमात्मा दी झलक वेख ली है, तो मैं कहना नहीं, मैं उसका जिक्र नहीं करना। जे मैं उस परम शक्ति नू जान भी लिया है, समझ भी लिया है, तो हुण मैं जबान नाल आखना नहीं। दरअसल जबान जो कुछ कहती है ओ ते आहत शब्द है, पर जद कदी मनुख अनाहत तक पहुंचता है, परमात्मा ही अंदरों बोलता है, ओ बोल इतने महान ने कि उस सारे दे सारे जबान नाल प्रगट करने बहुत औखे ने, बहुत औखे ने। तो सतगुरु फरमान करते ने, जे मैं उस परम शक्ति नू जान भी लिया है तां भी मैं आखना नहीं, कहना नहीं। क्यों नहीं कहना? कहना कथन न जाई, ओ मेरी कथनी देच नहीं आऊंगा, ओ मेरे कहने देच नहीं आऊंगा, ओ इतना महान मेरी कहनी तुच्छ है, ओ इतना वड्डा मेरा कहना छोटा है, ओ इतना महान मेरा कहना सीमा देच है। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज भी फरमान कर देने, क्या हो कथी कथे, कथ देखा मैं अकथ, ना कथ ना जाई, मैं कथन कर करके वेख लिया है, हे प्रभु तू मेरी कथनी दिच नहीं आऊंगा, मेरे कहने दिच नहीं आऊंगा। तो जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन ना जाई, जे मैं उस परम शक्ति नू जान भी लिया है ता भी मैं कहना नहीं। क्यों? क्यों मेरे कहने दिच नहीं आऊंगा, मेरा कहना सीमत ओ महान। तो फिर एक अरदास है, प्रार्थना है, गुरा एक देह बुझाई, हे गुरु एक गल बुझा दे, एक दी सूझ दे। क्यों? कि एक वस्त बूझे तहों में पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। एक नू जान लईए ते मनुख पवित्र हो जांदा है, एक नू ना समझिए ते मनुख अपवित्र होंदा है, एक नू जान लईए ते बंदा सब कुछ जान लैंदा है, और एक नू ना जानिए ता सब कुछ जानन दे बावजूद भी बंदा अज्ञानी दा अज्ञानी रहिंदा है। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करदे ने, गुरा एक देह बुझाई, हे गुरु एक दी बूझ बुझा, एक दी सोझी करा। केड़े एक दी सोझी, केड़े एक दा ज्ञान, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई, जो सारिया जीवां नू दात देन वाला है, कीड़े मकोड़े अस्थूल सूक्ष्म जल जंतु थल जंतु नब जंतु वनस्पति, जो सब नू रिजक पहुंचाने वाला है, जो सब नू दात देन वाला है, हे गुरु उसकी सूझ करा, उसकी समझ करा। ते सिर्फ सूझ ही नहीं, सिर्फ समझ ही नहीं, सो मैं विसर ना जाई, ओ मैनू भुले भी ना, उदी याद भी हमेशा बनी रहे। ते जिदी याद बनी रहे उदे नाल संबंध जुड़िया रहिंदा है, और जिदी याद मिट जाए उदा संबंध भी टूट जांदा है। भाई साहब भाई नंद लाल तदी ते मंगदे ने, या इलाही चश्मे बीना ए बिदे, दर सरम अज इश्के सौदा ए बिदे, हे गुरु बख्शिश कर सिर देच अपना प्यार दे, इश्क दे याद दे। क्योंकि एक याद ही है जो तेरे नाल संबंध जोड़ के रखती है, और जिथे प्रभु दा चिंतन है, प्रभु प्रकाश रूप है, प्रभु दा चिंतन मनुख नू प्रकाशित कर देगा। परमात्मा आनंद स्वरूप है, परमात्मा दी याद भी मनुख दे अंदर आनंद पैदा कर देवेगी। किसी व्यक्ति दा चिंतन करिए ते जिहड़ा आप दुखां दा मारिया होया होवे, तो व्यक्ति दा चिंतन दुखां दा चिंतन है, संसार दा चिंतन दुखां दा चिंतन है, क्योंकि संसार दे कण कण विच दुख ही व्यापक है। निरंकार दा चिंतन सुखां दा चिंतन है, निरंकार दा चिंतन आनंद दी प्राप्ति है, प्रभु दा चिंतन
खुशियां नू झोली दे जो है पाना है। तो साहब फरमान पे करदे ने, हे गुरु मैनू उस एक दी सूझ करा, उस एक दी जो सारिया जीवां दा दाता है, राजक रहिंद है, रोजी देहिंद है, और फिर जिथे उसकी मैनू तू सूझ करा वो मैनू भुले भी ना। अठे पैर उसकी याद चली रहे, अठे पैर उसे दे अंदर चिंतन चलता रहे। गुरा एक दे बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। जीवन सानू दान विच मिले है, सूरज दी रोशनी सानू दान विच मिली है, पवन पानी सानू दान विच मिले है, हाथ पैर सानू दान विच मिले ने, मां बाप सानू दान विच मिले ने, सब कुछ सानू दान विच मिले है। ऐसा जड़ा वड्डा दाता है, वड्डा दाता तिल ना तमाए, पहाड़ा जितना दे के भी तिल जितनी भी मंग नहीं करदा। साहिब कहंदे ने सब ना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जारी। ओ सारिया जीवां दा जो दाता है, राजक रहिंद है, ओदी याद मेरे अंदर चलदी रहे, उसनू मैं कदी भुला ना। हे गुरु तो इस तरह दी बोझ बुझा, इस तरह दी समझ दे, इस तरह दी तड़प दे, इस तरह दा सिमरन दे। हे गुरु तू बख्शिश कर, रहमत कर।